मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 12 की इम्पोर्टेंट हेडलाइंस केमिस्ट्री के बारे में पृष्ठ रसायन के अंतर्गत सीख पा रहे थे। और मित्रों, आज आपके लिए आठवां वीडियो होने वाला है जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। दरअसल कई बार हमने देखा है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी मित्रों है क्या? फ्रेंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषक की इकाई द्रव्यमान के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा यक्ष अपान एम एवं दाब पी के मध्य संबंध समीकरण निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए, यहाँ यक्ष अपान एम इक्वल टू के इंटू पी रेस टू पावर वन अपान एक्स, ये है इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। अब जरा आप ध्यान दीजिए मित्रों, अगर इसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाएं तो कैसे दर्शा सकते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर ये अधिशोषित गैस की मात्रा, मित्रों अधिशोषित गैस की मात्रा क्या है? यक्ष अपान एम है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यक्ष एक्सिस है, ये क्या है? दाब है, प्रेशर है, राइट। तो यक्ष अपान एम और ये दाब प्रेशर है, ये वाई एक्सिस है और ये यक्ष एक्सिस है। तो अगर यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए ऐसे, ये इस प्रकार से वक्र बनेगा, तो मित्रों इसमें तीन बिंदु प्राप्त होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी और तीसरा होता है सी। ए पर जो इसका ग्राफ प्राप्त होता है एक्स पान एम इक्वल टू के इंटू पी, दूसरा जो होता है एक्स पान एम इक्वल टू के इंटू पी रेस्ट पावर वन अपान एक्स, तीसरा जो होता है एक्स पान एम इक्वल टू के इंटू पी रेस्ट पावर जीरो, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से मित्रों इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे आखिर इस समीकरण में ये सब है क्या। यक्स मित्रों होता है अधिशोषित गैस की मात्रा, यम अधिशोषक का इकाई द्रव्यमान, यन या की के क्या होता है? स्थिरांक होता है। पी क्या होता है मित्रों? दाब यानी प्रेशर। दरअसल फ्रेंडलिक का जो अधिशोषण समतापी की सीमाएं हैं वो निम्नवत हैं। यह धारणा पूरी तरह सैद्धांतिक नहीं है। मित्रों आप समझ पा रहे हैं कि यह जो धारणा है पूरी तरह सैद्धांतिक है ही नहीं। दूसरा है इसके अनुसार इसमें दाब, इसके अनुसार यानी जो फ्रेंडलिक ने अधिशोषण तापी बताया इनके अनुसार जो दाब है प्रेशर वो अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है यह एक प्रति अधिशोषण की व्याख्या करता है। कैसा मित्रों? यह एक प्रति अधिशोषण की व्याख्या करता है, इसके अनुसार दाब अधिक नहीं होना चाहिए। यह धारणा पूरी तरह सैद्धांतिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग आठवें वीडियो लेक्चर में पृष्ठ रसायन के अंतर्गत समझ पाए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है और इनकी क्या सीमाएं हैं। तो यदि मित्रों आप चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।